नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस कप्तान एसपी ने कोरोना के चलते व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जाखल पंजाब की सीमा से सटे सभी नाकों का निरीक्षण किया। वहां के हालात की पुलिस कर्मियों से जानकारी भी ली। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों को हर तरह से आदेशों की पालना करने के आदेश जारी किए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी समय समय पर अपने आप को सैनिटाइज करते रहने का आदेश भी दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसडीएम टोहाना ने बताया कि आज कुछ एरिया में गरीब लोगों के लिए राशन वगैरह की ज़रूरत है और समाज सेवी संगठन आगे आए हैं। सभी संगठनों को पुलिस की तरफ से एक पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि रतिया का दौरा करने के बाद जाखल में आए हैं और लगभग हर स्थान पर हालात ठीक बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि एक दो स्थानों पर दिक्कत भी आई है और पुलिस ने उनसे सख्ती से निपट लिया। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि कोरोना के चलते सरकार के नियमों को पालना अवश्य करें। आप देख रहे हैं पल पल जाखल की दीपक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। एसडीएम साहब बताएं, इस लॉकडाउन के दरमियान प्रशासन की क्या तैयारी है और जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है? सर, प्रशासन पूरी तरह अपनी सतर्कता से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं जाखल में और सभी दुकानें बंद हैं एसेंशियल कमोडिटीज को छोड़ के, और यहाँ लॉकडाउन पूर्णतः सफल है। सर, सुबह और शाम के टाइम कुछ जनता रोड पे घूमती दिखाई दे रही है। सर, ये आप द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं अभी एसएचओ को आदेश करूँगा कि ऐसे बिना काम के जनता बाहर ना निकले, आवश्यक कार्य हेतु ही अपना सामान लेने के लिए वो बाहर निकले। उसका भी अभी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि लोगों के घर ही सामान पहुँचे, होम डिलीवरी का हम प्लान तैयार कर रहे हैं। सर, कल प्रेस और डॉक्टरों की मीटिंग थी, एसएमओ द्वारा ये कहा गया कि प्रेस मेरी अनुमति के बिना हॉस्पिटल में नहीं आएगी, यदि आएगी तो मैं उनके बरखिलाफ पर्चा दर्ज करा दूंगा। सर, आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है, मैं एसएमओ साहब से बात कर लूँगा। प्रेस विद प्रिकॉशंस कहीं भी रिपोर्ट करे उनको अनुमति है, प्रिकॉशंस लें आप, बाकी मैं एसएमओ से मैं बात कर लूँगा। थैंक यू सर। थाने में आएंगे।